उसको दूर से आया. ओके एक मिनट देता हूँ. ओके आओ आओ. सबको जय यीशु. मैं एक गवाही बताने जा रही हूँ. इधर मैं आलापल्ली से आई हूँ, तो एक डॉक्टर ने क्या बोला, क्या कैंसल हो गया बोल के बताया 3 दिन के पहले. तो भारत जी मेरे को थोड़ा फ़ोन किया था, और नाना जी और नंबर दिया था भारत जी को. उसने मेरे को भारत जी बताया क्या शिविर में आओ बोल के. मैं सोची ईश्वर 3 दिन के लिए मेरा तबीयत ठीक रहना चाहिए, और कैंसल बोला वो कैंसल मेरे को नहीं निकलना चाहिए. इधर से मैं आप तक मैं पहुँचूँगी तो मैं गवाही वहाँ मैं बात करूँगी, क्या ईश्वर से मैं मांगूँगी बोल के. ऐसा मैं भगवान से मंगी हूँ, लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला कि कैंसल बोल के. 2 डॉक्टर के पास भी गई दिखाई, लेडीज़ और जेंट्स. डॉक्टर ने बोले कि तुमको कैंसल नहीं है, जो किडनी में सूजन है और उसका ऊपर थोड़ा मास भी आ गया बोले तो वो भी नहीं है, मतलब सब नॉर्मल नहीं बोले रिपोर्ट. 13 साल के बाद मेरे बच्चे को अंगराज और विनोद, 2 लड़के अल्फोंसा और भाग्यश्री, 2 लड़के मेरे को, मेरा मेरा आदमी है लक्ष्मण सलम. तो 12-13 साल के बाद बच्चे नहीं थे, तो दुनिया पूरा मैं घूमी, पूरा दुनिया से मैं चल के आई. ट्रेन में गई, कौन से सूरत तक गई, अहमदाबाद तक गई, कौन से गांव तक मैं घूमी, और ट्रेन से भी मैं गिरी और बस से भी मैं गिरी. लेकिन मैं हरी नहीं ईश्वर से, क्या ईश्वर आज नहीं मेरे को कल देगा. कौन से भी भगवान जो कुछ बोले थे उसके पास भी मैं गई, लेकिन कोई पता मेरे को मिला नहीं. मैं बोले तेरे बच्चे, तेरे लड़के को बच्चे नहीं होंगे ऐसे बोल के कई लोग बोले, लेकिन हमारा विश्वास ईश्वर से टूट न जाने के लिए हमने परिवार से और सिस्टर लोग से और फादर जी से सब जन हमको टाइट से प्रार्थना करने लगा है. फादर लोग को धन्यवाद और सिस्टर लोग भी धन्यवाद, जो कुछ फादर लोग फ़ोन किए थे उन लोग भी धन्यवाद. सह दिल से मैं धन्यवाद बोल रही हूँ. हालेलुया.